अब इसको याद, ये था हमारा मैट्रिक्स। अब इसको याद रखने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक वेक्टर v1 लिखा, v1 वेक्टर लिखा। तो वेक्टर तो आप 11th क्लास से पढ़ते हो, तो तुम्हें पता होगा कि वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, या इन जनरल टू कंपोनेंट्स होंगे। कब? जब वो वेक्टर किसी प्लेन पर होगा, एक्स वाई प्लेन पर होगा तो टू कंपोनेंट्स होंगे, एंड अगर वेक्टर एक्स वाई जेड प्लेन पर होगा तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर v1 लिखा, और v1 वेक्टर को हमने क्या किया, इसका जो ये r1 है ना, ये r1, इसके तीन जो एलिमेंट्स है ना, a1 a2 एंड a3, इसको इस v1 वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स बना दिए, i कैप, j कैप और k कैप वाले कंपोनेंट बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा, a1 i कैप, एक वेक्टर हमने ऐसे लिखा, प्लस a2 j कैप, प्लस क्या लिखा हमने, a3 k कैप, एक वेक्टर हमने v1 लिखा। एक दूसरा वेक्टर v2 ले लिया, v2 वेक्टर को लिया तो हमने क्या लिखा, ये जो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो के जो तीन एलिमेंट्स हैं, इसको हमने v2 वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। उसके बाद हमने थर्ड रो पर आ गए, ये जो थर्ड रो के ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इसको हमने v3 वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब ये जो तीन वेक्टर्स मिले ना, इसकी स्पेशलिटी क्या है वो तुम समझो। हमारे पास क्या गिवन है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पहले गिवन है। तो तुम्हें पता होगा कि अगर जो हमारा यूनिट वेक्टर है, अगर मैं वेक्टर v1 का मॉड ले लूँ, तो मॉड कैसे लिखते हैं, रूट अंडर i कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस j कैप का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और प्लस जो k कैप का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, 1 के। तो ये किसके इक्वल है, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो हमने v1 वेक्टर बनाया, v1 वेक्टर कैसे बनाया, ये जो A मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट रो है, इसके फर्स्ट रो के जो तीन एलिमेंट्स हैं, उसको हमने इस v1 वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स बना दिए। तो हमें जो वेक्टर v1 मिला, फिर जब उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो हमें 1 मिल गया। तो हमें क्या पता चला कि जो v1 वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर फिर हमने v2 का मैग्नीट्यूड लिया, सिंपली 1 वो भी आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, v3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है और ये v3 वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि फर्दर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे पास, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि अगर मैंने v1 वेक्टर इनटू v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो डॉट प्रोडक्ट भी आपको पता होगा कि हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं ना उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे वेक्टर जो चैप्टर है हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, जो कि आपने 11th क्लास में जो आप नहीं पढ़े होंगे तो इन डिटेल हमें पढ़ना है 12th क्लास में, तो उस समय तो क्लियर हो ही जाएगा, बट ये जो अभी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग i कंपोनेंट के को मल्टीप्लाई किया तो हो गया a1 b1, प्लस j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो ये क्या हो गया a2 b2, प्लस k के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर वेक्टर, पता चला ना, पता है ना कि अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें 0 मिलता है तो वो वेक्टर क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो v1 और v2 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली अगर तुम v2 इंटू v3 लोगे तो ये भी 0 मिलेगा, और ये किसके इक्वल होगा, v1 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर के, ये तो ले ही लिया, और ये किसके इक्वल होगा, v1 इंटू वेक्टर डॉट v3 वेक्टर, तो ये 0 भी आ जाएगा। इसका इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो तीन वेक्टर लिया ना हमने, v1 v2 एंड v3, ये एक यूनिट वेक्टर भी है और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। म्यूचुअली बोलने का मतलब कि v1 एंड v2 भी परपेंडिकुलर है, v2 एंड v3 भी परपेंडिकुलर है, v1 एंड v3 भी परपेंडिकुलर है, ये मतलब हुआ। तो फाइनली अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने ए मैट्रिक्स लिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया, a1 a2 a3
और b1 b2 b3 c1 c2 c3। और अगर मैंने ये बोल दिया कि ये जो A मैट्रिक्स है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैंने इतना बोल दिया, तो तुम क्या करोगे, जो ये तीन रो है, इस तीन रो के जो तीन एलिमेंट्स हैं, उन तीन एलिमेंट्स को लेके तुम तीन वेक्टर बना लो। तो वो जो तीन वेक्टर्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे और यूनिट भी होंगे, मतलब यूनिट वेक्टर भी होंगे एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर भी होंगे। तो मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि इफ वी टेक थ्री वेक्टर्स एज अ कंपोनेंट, ये इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हमने R1, R2, R3 ये तीन रो के एलिमेंट्स उठाए और इस तीन रो के एलिमेंट्स को अगर हमने तीन वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए, ठीक है, जो तो हमें तीन वेक्टर्स मिला, देन डैट थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको हम, अब ऐसे बोल दिया हमने, दूसरा हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वो तुम इसको ऐसे देखो, अगर हमें पता है कि A अगर हमारा ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज भी, ये भी ऑर्थोगोनल होगा, ये भी पता है हमें कि ऑर्थोगोनल होगा। तो अगर हमने A ट्रांसपोज ले लिया तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया, और ये हो गया C1 C2 C3। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि A1 अगर रो के तीन एलिमेंट्स को अगर तुम वेक्टर के कंपोनेंट बना लोगे, मतलब रो वाइज अगर तुमने कंपोनेंट बनाया किसी तीन वेक्टर का, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा। अब वही चीज़ तुम यहाँ कॉलम में देख लो, अब इसके कॉलम में क्या आ गया, A1 A2 A3। तो A1 A2 A3 लेके तुम एक वेक्टर बनाओ, B1 B2 B3 लेके एक वेक्टर बनाओ, और C1 C2 C3 लेके भी एक वेक्टर बनाओ, वो भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इससे फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला कि किसी भी ऑर्थोगोनल वेक्टर के अगर तुमने रो वाइज तीन, रो वाइज जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसको लेके तुम तीन वेक्टर बना लो, या कॉलम वाइज जो तीन एलिमेंट्स लिखे हैं उसको लेके तुम तीन वेक्टर बना लो, ठीक है, तो वो जो तीन वेक्टर्स मिलेंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे और यूनिट वेक्टर भी होंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास एक ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो या तो तुम रो वाइज लेके, रो वाइज जो तीन एलिमेंट्स है उसको लेके तीन वेक्टर के कंपोनेंट बना लो। पहले रो लिया, उसमें हमने V1 वेक्टर बना लिया, V1 वेक्टर के कंपोनेंट क्या लिखे, पहले रो के एलिमेंट, V2 वेक्टर के कंपोनेंट क्या लिखे, दूसरे रो के एलिमेंट, V3 वेक्टर के कंपोनेंट क्या लिखे, तीसरे रो के एलिमेंट। तो ये जो तीन वेक्टर होगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होगा, यूनिट भी होगा। फिर मैंने क्या बोला कि अगर A ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है, अभी हम इससे पहले प्रूफ करके आए। तो ऑर्थो ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमने पहला कॉलम लिए उठाया और एक वेक्टर बना दिया, दूसरा कॉलम उठाया एक वेक्टर बना दिया, तीसरा कॉलम उठाया एक वेक्टर बना दिया, तो जो हमें तीन वेक्टर्स मिला वो भी यूनिट वेक्टर भी होगा और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होगा। बहुत बोल दिया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।